સૌને મારા સત કેવલ સાહેબ પરમગુરુ પાઠશાળા સતકેવલ કેવલ વિદ્યા મંદિર ગુજરાતી માધ્યમ સંકુલ સારસા હું કાજલ હિંગુ આપ સૌ વિદ્યાર્થીઓનું ઓનલાઈન શિક્ષણ કાર્ય પદ્ધતિમાં સ્વાગત કરું છું મેં કાજલ હિંગુ કક્ષા આઠ વિષય હિન્દી ઇકાઈ પાંચ સવાલ બાલમ કે જવાબ ડોક્ટર કલામ કે ભાગ એક તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજ હમ डॉक्टर कलाम के बारे में कुछ जानेंगे तो विद्यार्थी मित्रों आप सब जानते हो कि कौन है डॉक्टर अब्दुल कलाम ओके तो मैं आज आपको बताती हूँ भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैन अब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है भारत के आधुनिक शेप शो में निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति है बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव था तो आज मैं आपको अब्दुल कलाम के बारे में कुछ बताती हूँ पंद्रह अक्टूबर उन्नीस सौ इकतीस धनुष कोड़ी तमिलनाडु भारत रत्न डॉक्टर कलाम का इसी छोटे गांव में जन्म हुआ था कहाँ हुआ था इसका जन्म अब्दुल कलाम का धनुष कोड़ी तमिलनाडु में ओके तो इसका यानी अब्दुल कलाम के अम्मी का नाम क्या था आसी अम्मी वेरी गुड पिता के पास एक नाव थी पिता के पास एक नाव थी अब्दुल कलाम के पिता कश्ती के मालिक थे किसके मालिक थे कश्ती के अब्दुल कलाम के तीन बड़े भाई और बहन थी कितने भाई थे तीन और एक बहन थी अब्दुल कलाम को बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे अब्दुल कलाम बड़े भाई से बहुत प्रेम करते थे उस उसने यानि अब्दुल कलाम ने बड़े भाई के लिए एक टीवी भी खरीदा था अब्दुल कलाम की पारिवारिक आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी रामेश्वरम एक प्राथमिक विद्यालय में उनकी पढ़ाई शुरू हुई थी लेकिन पढ़ाई का भी खर्चा होता है ना। तो अब्दुल कलाम ने अखबार बेचने का काम शुरू कर दिया था। देखो, अब्दुल कलाम पढ़ते भी थे और सवेरे उठकर पहले क्या करते थे अखबार बेचने जाते थे उसी सपनों में उसी सपनों में अखबार बेचने वाले से मिसाइल और देश का राष्ट्रपति बनाया किसको बनाया राष्ट्रपति अखबार बेचने वाले ओके तो डॉक्टर विक्रम डॉक्टर कलाम अब्दुल कलाम मिसाइल मिसाइल मैन भी बने और हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने तो डॉक्टर कलाम क्या कहते थे मैं आपको एक बताती हूँ सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं सपना वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हैं सपना वो है जो आपको सोने नहीं देता ये शब्द किसने लिखा था अब्दुल कलाम ने शिखर तक पहुँचने के लिए शिखर तक पहुँचने के लिए ताकत चाहिए होती है चाहे वो माउंटेन एवरेस्ट का शिखर है हो या आपका पैसा तो अब्दुल कलाम के विचार कितने उच्च थे ये हमें पता लगा है इससे पहले कि सपने सच हो इससे इस पहले कि सपने सच हो आपको सपने देखने होंगे छोटा लक्ष्य अपराध है महान लक्ष्य होना चाहिए ये कौन कहता है ये कौन से विचार है अब्दुल कलाम के तो विद्यार्थी मित्रों आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप मोबाइल पर सर्च करके आप जान सकते हो अब्दुल कलाम के बारे में मैं आपको अब पाठ का सार समझाती हूँ गुजराती में और हिंदी में फिर हम सब मिलकर इकाई पांच का पाठ का वर्णन करेंगे और सुनेंगे इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर भी दिए हैं। तो हम पाठ का सार मैं आपको समझाती हूं डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना पहला क्या है डॉक्टर कलाम के बचपन की घटना डॉक्टर कलाम पांचवी कक्षा में थे डॉक्टर कलाम पांचवी कक्षा में थे उनके एक शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए वहां उन्होंने पक्षियों के उड़ने की क्रिया बताई बालक कलाम इससे बहुत प्रभावित हुए तो इसका मैं आपको गुजराती में सारांश बताती हूँ डॉक्टर कलाम ना ते वक्त डॉक्टर कलाम पांचमा धोरण एक शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर विद्यार्थी ने रामेश्वरम समुद्र तटे लाई गया पक्षियों की उड़वा क्रिया बता बाड़क कलाम बताम खूब प्रभावित भाषा के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण भारत के प्रति डॉक्टर कलाम का दृष्टिकोण डॉक्टर कलाम मानते हैं कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है डॉक्टर कलाम क्या मानते थे कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए क्योंकि विद्यार्थी जिस भाषा में सोचता है उसी में वह अपनी बात अच्छी तरह से प्रकट कर सकता है डॉक्टर वैश्विक डॉक्टर वैश्विक स्तर पर સંપર્ક બનાવે કે લીધે અંગ્રેજી દેશી વિદેશી ભાષા કા જ્ઞાન ભી જરૂરી હૈ ભાષા તરફ ડોક્ટર કલામનો દ્રષ્ટિકોણ ડોક્ટર કલામ માને છે કે શિક્ષણનું માધ્યમ માતૃભાષામાં જ હોવું જોઈએ કારણ કે વિદ્યાર્થી જે ભાષામાં વિચારે છે તેમાં જ તે પોતાની વાત સારી રીતે પ્રગટ કરી શકે છે विश्व स्तरे संपर्क जा सफल होने का मंत्र डॉक्टर कलाम ने हमें बताया था जीवन में सफल होने का मंत्र पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है अब्दुल कलाम क्या कहते हैं पहले यह सोचो कि तुम्हें क्या बनना है लक्ष्य निश्चित हो जाने पर उसी दिशा में कठिन परिश्रम करने और आने वाली कठिनाइयों बाधाओं को जीतने से ही जीवन में सफलता मिलती है सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहस पूर्वक आगे बढ़ने से बड़े व्यक्ति बन सकते हैं सामान्य आर्थिक स्थिति के बालक भी जी तोड़ परिश्रम करने और साहस पूर्व साहसपूर्वक आगे बढ़े तो वो भी बड़े व्यक्ति बन सकते हैं तो मैं इसका अनुवाद करके बताती हूँ जीवन में सफलता मंत्र पहला ते ये विचारो कि बनवे લક્ષ્ય નિશ્ચિત થાય જાય ત્યાર પછી તે દિશામાં કઠોર પરિશ્રમ કરવાથી અને તેમાં આવનારી બધી જ મુસીબતો ઉપર વિજય મેળવવાથી જીવનમાં સફળતા મળે છે સામાન્ય આર્થિક સ્થિતિના બાળકો પર સખત પરિશ્રમ કરીને અને સાહસથી આગળ વધીને મોટા માણસ પણ બની જાય છે भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती डॉक्टर कलाम ने क्या कहा भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने एक अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है तो अब्दुल कलाम ने क्या चुनौती दी थी सन 2020 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर अपने एक अरब से अधिक भी नागरिकों को सुखी बनाने का काम ही आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है देश में पर्याप्त युवा शक्ति और पर्याप्त संसाधन होने से इस चुनौती का सामना करना कठिन नहीं है તો અબ્દુલ કલામ ક્યાં કહેતા હેઠે એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવીને પોતાના એક અબજ નાગરિકોને સુખી કરવાનું કામ જ આજે આપણી સામે સૌથી મોટો પડકાર છે દેશમાં પર્યાપ્ત યુવા શક્તિ अनेपर्याप्त संसाधन होवाथी आपदकार्यों सामनों करवानों काम मुश्किल नथी। बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निवारण। अगला पटका सारांश क्या है? बढ़ती जनसंख्या पर काबू और बेरोजगारी निवारण। डॉक्टर कलाम के अनुसार स्त्री शिक्षा का विस्तार छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग धंधों में उद्योग धंधों की स्थापना से जनसंख्या पर काबू पाया जा सकेगा और बेरोजगारी भी दूर होगी बत्ती जाती वस्तु पर काबू और बेकारीनों निवारण डॉक्टर कलाम अनुसार स्त्री शिक्षा विस्तार नानु कुटुंब सुखी कुटुंब ની માન્યતા અને ગ્રામીણ ક્ષેત્રોમાં ઉદ્યોગ ધંધાની સ્થાપનાથી વતી જતી વસ્તી પર કાબૂ મેળવી શકાશે અને બેકારી પણ દૂર થશે નેતાઓની શીખ કонસી નેતાઓની શીખ ડોક્ટર કલામ કહેતે હે કે ہمارے નેતાઓ કો કઠિન પરિશ્રમ ઓર અપને ઉત્કૃષ્ટ ઓર પારદર્શી કાર્ય સે લોકો કા વિશ્વાસ પ્રાપ્ત करना चाहिए उन्हें गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी प्रयास करना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए गरीबी की रेखा के नीचे रहे हुए लोगों की उन्नति के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए तो अब्दुल कलाम नेताओं ने शु सीखे जो ડૉક્ટર કલામ કહે છે કે આપણા નેતાઓને કઠોર પરિશ્રમ અને પોતાના ઉત્કૃષ્ટ તેમજ પારદર્શક કામો દ્વારા લોકોના વિશ્વાસ પ્રાપ્ત કરવો જોઈએ તેમણે ગરીબીની રેખા ગરીબીની રેખા નીચે જીવતા લોકોની ઉન્નતિ માટે પ્રયાસ કરવો જોઈએ સેનામે મહિલાઓ કી બરાબરી સેનામે महिलाओं की बराबरी होनी चाहिए ये भी अब्दुल कलाम कहते हैं भारतीय सेना में पुरुषों और महिलाओं की नियुक्तियों में भेदभाव नहीं किया जाता आज सेना में महिलाओं महिलाएं भी उच्च स्तरीय सेवा प्रदान कर रही है तो अब्दुल कलाम क्या कहते हैं सेना में महिलाओं की बराबरी होनी चाहिए સેનામાં મહિલાઓનો સમાન ફાળો ભારતીય સેનામાં પુરુષો અને મહિલાઓની નિયુક્તિમાં ભેદભાવ કરવામાં આવતો નથી આજે સેનામાં મહિલાઓ પણ ઉચ્ચ સ્તરીય સેવા પ્રદાન કરી રહી છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો મેને આજ આપકો ઈસ પાઠ કા સારાંશ સમજાયા અબ હમ इस पाठ का वर्णन करते हैं कि डॉक्टर कलाम बच्चों के प्रश्न के उत्तर कैसे देते हैं ये हम आज सुनेंगे और मैं आपको बताऊंगी आपको ये सब ध्यान से सुनना है प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है यह बातचीत तब संपन्न संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे प्रश्नकर्ता आर अरविंद कक्षा तीन सेटमेंट स्कूल चेन्नई वो क्या प्रश्न करता है हम देखें। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तो डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हैं कक्षा पांचवी के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत यानी जीता जागता उदाहरण दिया था वह ऐसी यादगार घटना थी वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में यानी दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गई इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली प्रेरणा यानी प्रोत्साहन प्रश्न करता दूसरा सरयू मकर कक्षा पांच वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर तो ये क्या प्रश्न करता है हम देखें आप ध्यान से सुनिएगा बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए तो डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हैं मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा में माध्यम से पूरी की है डॉक्टर कलाम ने क्या कहा मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा से पूरी की है कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई और कॉलेज की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है उसी में अपनी बात सहस्ता से से यानी हैं और समक्ष होता है समक्ष यानी समर्थ होता है पर इसमें कोई भी दो राय नहीं की पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत यानी अत्यंत आवश्यकता है तीसरा प्रश्न करता हर्ष पटेल कक्षा पांच चंदूलाल विद्या मंदिर मुंबई ये प्रश्न क्या करता है हम देखते हैं यदि हम आपकी तरह बनना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए ये बहुत ही अच्छा सवाल है यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए तो डॉक्टर कलाम जब आप युवा अवस्था में कदम रखें विद्यार्थी मित्रों ये आपको ध्यान से सुनना है जब आप युवा अवस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य यानी दे निर्धारित कर लेना होगा हमेशा कुछ बड़ा ही सोचो अब्दुल कलाम क्या कहते हैं हमेशा कुछ बड़ा ही सोचो जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं आपको ये अनुभूति हो जाए कि हम मुझे क्या बनना चाहते हैं मैं क्या बनना चाहता हूँ तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो जो जो आप आगे ही और बढ़ोगे आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा आपको अपने अंदर क्या पैदा करना होगा दृढ़ साहस के मुझे यही बनना है मुझे इसी उच्च कक्षा में पढ़ना है समस्याओं को पराजित करने में यानी उलझन ऊर्जन को पराजित करने में महारत यानी योग्यता हासिल करनी होगी तभी जीवन में सफल हो पाओगे पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो सबसे पहले क्या जरूरी है विद्यार्थी मित्रों आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो आप ज्ञान प्राप्त करो ये अब्दुल कलाम का उत्तर बहुत ही लाभदायक है ओके विद्यार्थी मित्रों आपको ये करना ही होगा प्रश्नकर्ता चिराग जैन कक्षा सात बॉम्बे कैब्रिज अंधेरी पश्चिम मुंबई ये कैसा सवाल करता है आप देखें वह सी बड़ी चुनौती है वह देश के सामने कौन सी बड़ी ललकार है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है तो डॉक्टर कलाम इसका उत्तर कैसे देते हैं देखते हैं भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के एक राष्ट्र को को के, के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है तो डॉक्टर कलाम ने कौन सी बड़ी चुनौती बताई 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक कक्षा सात डॉक्टर एस राधा विद्यालय मलाड़ मुंबई ये कौन सा प्रश्न करता है आप देखें आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है तो डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हैं अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है बहुत ही बढ़िया उत्तर दे दिया अब्दुल कलाम ने प्रश्नकर्ता तरुण पटेल कक्षा आठ स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि गर्व की भावना कैसे विकसित कर डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है अब्दुल कलाम ने क्या बताया सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है प्रश्नकर्ता सत्यम कक्षा दस जिला स्कूल मुंगेर जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक इंजीनियर डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं पर किसान मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं हमारे लिए आपका क्या संदेश है ये बहुत अच्छा सवाल है तो डॉक्टर कलम इसका उत्तर कैसे देते हैं मैं आपको बताती हूँ किसान मजदूर कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है राष्ट्र निर्माण में राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है आप सभी को चाहिए कि आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तो अब्दुल कलाम क्या चाहते हैं कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। तो विद्यार्थी मित्रों हम आगे देखते हैं आप ध्यान से सुनते हो ना ओके विद्यार्थी मित्रों अब हम भाग दो डॉक्टर कलाम के इकाई में हम अगले वीडियो में देखेंगे और समझेंगे तो तब तक अस्तु सत केवल साहेब